राधे राधे। तो कहते हैं कि आपका व्यवहार आपकी पहचान है, वरना आपके नाम के तो न जाने कितने इंसान हैं। व्यवहार वो आईना है जिसमें आप किसी की भी छवि देख सकते हैं कि वो किस तरह का इंसान है। जब भी आपकी किसी से अनबन होती है तो बहुत बार हम बातें भूल जाते हैं, लेकिन जो कटु शब्द उन्होंने कहे हैं वो हम याद रखते हैं कि तुमने उस दिन ये कहा, तुमने उस दिन वो कहा। मैं कहती हूँ कि जो शब्द है ना वो बाण की तरह है, वो सीधा दिल में चुभते हैं, कष्ट देते हैं। कहना आसान है कि किसी की बातें कहीं भी भूल जाओ, उन्हें मत याद करो, या उसे जाने दो या माफ़ कर दो, ये कठिन है। लेकिन मेरी आज की कहानी में एक भाव छुपा है। किसी ना किसी को कोई ना कोई बात कभी समझ आ जाए तो वो उस चीज़ को ठीक कर सकता है। मुझे लगता है मुझे ये वाली बात ज़्यादा समझ आ गई। इस बात में एक बहुत ही सरलता है और सुंदरता है, जिससे आप अगर लोगों की बातों से दुखी हो जाते हैं, या फिर मैं कहूँ कि आप अपने आप को ही अंदर ही अंदर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इस तरह का इंसान मैं हूँ नहीं, लेकिन सामने वाला मुझे मजबूर कर देता है कि मैं वैसा बन जाऊँ, तो ये कहानी आपके लिए है। तो कहानी सुनना तो ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कहानी शुरू करूँ। तो होता ये है कि एक गांव है जहाँ पे एक विद्वान संत रहते हैं, बहुत ही ज्ञानी, दयालु, और जो गांव के लोग हैं वो उन्हें बहुत मानते हैं, अपने सुख की अपने दुख की बातें उनसे करते हैं, और वो हमेशा जानते हैं कि ये अपनी बातों से ही हमारी सहायता कर देते हैं। अब होता ये है कि एक दिन संत अपने शिष्य के साथ में सैर कर रहे हैं। अब वहाँ पे एक घुड़सवार आता है, संत को बहुत बुरा भला कहने लग जाता है। अब जो शिष्य है उसको गुस्सा आता है, लेकिन संत मुस्कुरा रहे हैं। संत को मुस्कुराते हुए देख उस घुड़सवार को और गुस्सा आता है। वो उनके माता पिता को भी भला बुरा कहते हैं, उनके पूर्वजों को भी भला बुरा कहते हैं। जो शिष्य है उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन संत मुस्कुरा रहे हैं। वो घुड़सवार 10-15 मिनट बोल बाल के चला जाता है। शिष्य पूछता है, संत जी आपको जरा भी बुरा नहीं लगा, जरा भी कष्ट नहीं हुआ? वो इतना कुछ बोल गया और आपने कुछ नहीं कहा, आप मुस्कुरा रहे थे। संत कहते हैं, तुम मेरे साथ पीछे पीछे आओ। वो अपनी कुटिया के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो कुटिया से कुछ गंदे मैले कपड़े लाते हैं, उन कपड़ों में से बदबू आ रही होती है। कहते हैं कि तुम अपने ये वस्त्र उतार दो और इन्हें धारण कर दो। तो शिष्य कहता है कि मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, आपकी सारी बात मानता हूँ, लेकिन मैं इन्हें धारण नहीं कर सकता, ये बहुत गंदे और बहुत ही बदबूदार कपड़े हैं। तो संत कहते हैं, जिस तरह से तुम ये गंदे कपड़े नहीं धारण कर सकते, उसी तरीके से मैं उस घुड़सवार के गंदे जो बदबूदार अपशब्द थे उन्हें मैं धारण नहीं कर सकता, और यही उत्तर है तुम्हारे प्रश्न का जो तुमने मुझसे पूछा था कि मैं उसको कुछ क्यों नहीं कह रहा और मैं मुस्कुरा क्यों रहा था। शिष्य को बात समझ आ जाती है और वो संत को नमन करते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, कहानी का ज्ञान क्या कहता है? कहानी का ज्ञान ये कहता है कि जीवन में हमें बहुत लोग मिलेंगे जो हमें बुरा भला कहेंगे, बहुत कुछ ऐसी बातें कह देंगे जो शायद हमें बहुत बुरी लगेंगी, जो हमें दुख पहुंचाएंगी, लेकिन क्या उस वक्त हम ये सोच सकते हैं कि हम सामने वाले के दिए हुए गंदे बदबूदार कपड़े नहीं पहनेंगे, हमको जो पहनना है हम वही पहनेंगे। ये शब्द बाण की तरह लगते हैं, लेकिन अगर आप अपने मन में और अपने दिमाग में ये बात घुसा लें कि ये गंदे बदबूदार शब्द हैं, इन्हें मैं धारण नहीं कर सकता या कर सकती, तो सारी समस्याएं यहीं पे ही समाधान हो जाएगा इनका, हमें बुरा ही नहीं लगेगा किसी बात चीज का, और शायद हम भी उस संत की तरह मुस्कुराते रहें। इस कहानी से मैंने क्या सीखा, गुस्सा मुझे भी आता है और मुझे बुरा भी लगता है। बहुत बार इंस्टाग्राम फेसबुक पे कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसको ऐसा लगता है कि मैंने जानती भी नहीं हूँ और तब भी वो इस तरह की बातें लिखते हैं, या फिर
कुछ लोग अलग तरीके की बातें करते हैं आपके बारे में, जो आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल सही नहीं है और आपको क्रोध आता है। तब इस कहानी ने मुझको ये सिखाया है कि मैं उनके गंदे बदबूदार कपड़े जैसे शब्द नहीं धारण करूँगी। और इस कहानी ने मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा बदला है, एक बदलाव दिया है। तभी मैंने शुरुआत में कहा था कि किसी को भी कोई भी एक बात अगर समझ आ जाए तो बस उसका समाधान, फिर किसी भी बात का समाधान निकालना आसान है। बस एक बात समझ आनी चाहिए और ये वाली बात मुझे समझ आ गई है। आशा करती हूँ आपको भी ये बात समझ आ गई होगी। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।